ट्रक ऑपरेटरों का देशव्यापी चक्का जाम का असर जिला बिलासपुर में भी शुक्रवार को देखने को मिला। जिला बिलासपुर के दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों की ट्रक ऑपरेटरों की सोसाइटी ने डिमांड पुकार हाल में सीमेंट ढुलाई हेतु गाड़ियां नहीं लगाई। ट्रक ऑपरेटरों की मांग को लेकर शांतिपूर्वक ढंग से नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर सीमेंट की वीरवार को लोड हुई गाड़ियां सुबह सवेरे सड़क पर दौड़ती नजर आईं, जबकि अनिश्चितकालीन चक्का जाम का समय 20 जुलाई सुबह 6 बजे से रखा गया था। दूसरी ओर ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के निर्णय अनुसार प्रदेश में बागवानों और किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए सेब और सब्जी से भरी हुई गाड़ियां नहीं रुकेंगी, लेकिन बागवानों और किसानों को प्रदेश में तो अपनी गाड़ियों को ले जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु बाहरी राज्यों पर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते किसानों और बागवानों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी। रीजन क्या है? मैं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष के नाते लेख राम वर्मा आज इस ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो मित्तल जी ने जिसके अध्यक्ष हैं मई को जो 2 महीने पहले कॉल दी थी उस अभियान के अंदर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर चालक परिचालक कर्मचारी और तमाम ऑपरेटर आज इसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। हम बीडीटीएस परमाणा में जो हमारी अपनी बहुत बड़ी यूनियन 4000 तकों वाली यूनियन है उसके तमाम एक्स सर्विसमैन और सिविल यूनियन जो है 4000 ट्रक जो आज बिल्कुल बंद रहेंगे, इसलिए बंद रहेंगे कि वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं कि जब तक डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, नहीं लाया गया तो हम उसका निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसको जीएसटी के दायरे में हर वस्तु की तरह लाया जाए। हम कहते हैं कि इस मांग के लिए इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि ये टोल प्लाजा, ये मुगलों की तरह जजिया टैक्स, जो एनपी टैक्स, गुड टैक्स, टोकन टैक्स, तमाम टैक्स गाड़ियों को रोड पे चलने के लिए हम देते हैं और पहले जमा कराते हैं गाड़ी चलने से पहले, तो ये टैक्स टोल प्लाजा और दूसरे टैक्स ये बंद होने चाहिए। अगर यही नीतियां रही इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तबाह हो जाएगी। ये राजस्व का ये रीढ़ की हड्डी है, ये देश की अर्थव्यवस्था की ये बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है जिसको आज नजरअंदाज कर रही है केंद्र की और हिमाचल प्रदेश और तमाम हिंदुस्तान की राज्य सरकारें। हम इस मांग में कहते हैं, इस मांग को भी आगे ले जा करके ये कहते हैं कि आज जो हड़ताल है ये हमारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिजु प्रभाकर की रिपोर्ट। जिंदाबाद।